नमस्कार साथियों, मैं श्याम कुमार। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए खास होने वाली, जैसे कि आज बता दे कि कुछ ज्यादा ही कमेंट आया था कि सर हमारे थोड़ा सा ये ग्रोथ मॉनिटरिंग वाले जो हम लोग वेट हाइट ये हम लोग डालते हैं उसको हम लोग पोषण ट्रैकर में कैसे निकालेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे कि पोषण ट्रैकर में ही आप लोग जान सकेंगे कि वजन जो करते हैं आप लोग या हाइट नापते हैं ये सब हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना होगा कि पोषण ट्रैकर को खोलना होगा। जैसे ही आप लोग पोषण ट्रैकर पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप लोग पोषण ट्रैकर पर क्लिक करेंगे तो आप लोग को इस तरह से पेज खुलेगा, यानी कि आप लोग लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को इस तरह से पेज खुलेगा, उसके बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर बेनिफिशियरी है, यहाँ पे बेनिफिशियरी दिया गया है और यहाँ पे होम विजिटिंग है। तो आप लोग को सीधा डायरेक्ट आप लोग को क्या करना होगा कि यहाँ जो आपसे नीचे में आप लोग को दिया जा रहा है अधिक, या इंग्लिश में अगर आप लोग का होगा तो इस तरह से आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे मोर ऑप्शन जो आएगी आप लोग को यहाँ पे, तो मोर ऑप्शन में आप लोग क्लिक जैसे ही करेंगे तो आप लोग को यहाँ पे रिसोर्सेज यहाँ पे दिखाया जा रहा है, यानी कि आप लोग को रिसोर्सेज के मतलब आप लोग को यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग को यहाँ पे गाइडलाइन दिया गया है रिसोर्सेज में, यानी कि आप लोग को पोषण ट्रैकर कैसे चलानी है इसके बारे में कुछ जानकारी है। यानी कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये हाइट का दिया गया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग दिया गया है, इस तरह से आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसमें हाइट और वजन के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी कि हाइट के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि आपके पोषण ट्रैकर में ही लंबाई नापने के लिए भी है और वजन करने के लिए भी हम लोग दिखाएंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले बॉयज दिया गया है यानी कि लड़का, और यहाँ पे गर्ल दिया गया है यानी कि लड़की। तो इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप लोग को सेंटीमीटर में दिया गया है, यानी कि आप लोग यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से अगर बीच से हम लोग चेन यहाँ से खींच देते हैं तो इस तरह से आप लोग देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे मेरा लड़का के लिए हो गया और ये लड़की के लिए हो गया। तो इस तरह से आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है। और इसमें जैसे कि आप लोग को देख रहे होंगे यहाँ पे एज जो है, यहाँ पे एज जो दिया गया है यहाँ पे 0 महीना, उसके बाद आप लोग को इसी में हो जाएगा। जैसे कि 0 महीना में 46 से लेके आप लोग को यहाँ पे 49 के बीच में होना चाहिए। तो यानी कि आप लोग 46, 47, 48, 49, यानी कि आप लोग को 3 के गैप है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एज जो मेरा दिया गया है, यहाँ पे आप लोग एज जो दिया गया है यहाँ पे 0 हुआ, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी कि आप लोग को इसी के बीच में अगर बॉयज होगा तो आप लोग को सेंटीमीटर लिख लेने, यानी कि आप लोग तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, यानी कि 0 माह से 1 महीना 2 महीना तक के रहे तो आप इसके बीच में लिख सकते हैं किसके लिए, बॉयज के लिए। इसी तरह से आप लोग गर्ल देखेंगे 2 महीना होंगे, यानी कि 0, 1, 2 माह होंगे, तो 45 से 49 के बीच में आप लोग गर्ल के लिए लिख लेंगे, यानी कि हाइट। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग को इसी तरह से करना है हाइट मेंटेन। और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे 3, यहाँ पे 3 से 6 दिया गया, 3, 4, 5, 6, यानी कि 3 का अंतराल है। तो इस तरह से हम लोग देख लेंगे 3 मंथ, जब 3 मंथ हो, 4 मंथ हो, 5 मंथ हो, 6 मंथ हो, इस तरह से आप लोग मंथ देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो दिया गया है आप लोग को 57.3 से लेके 61 के बीच होनी चाहिए, तो 57 के बाद 58, 59, 60 भी आप लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, ये बॉयज़ के लिए और ये गर्ल के लिए। यानी कि आप लोग इस तरह से अगर आप लोग को 3-3 का गैप चल रहा है तो यहाँ पे 55.6 से लेके 59 इतना तक आप लोग दे सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि हाइट को हम लोग किस प्रकार से करेंगे। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये वेट के लिए दिया गया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अंडर वेट, यानी कि यह वेट के लिए दिया गया है। और यहाँ पे आप लोग को तराजुल का साइन भी दिया गया है। तो इस तरह से अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है कि सेम जैसे कि हमने यहाँ पे सेंटीमीटर आप लोग को देखे हैं करना, उसी तरह से आप लोग को इसमें भी करना है। यानी कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे बॉयज़ दिया गया है यानी कि लड़का, और यहाँ पे लड़की दिया गया है। इस तरह से हम लोग इनको हाफ हाफ बांट लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यह एज हुआ सभी के लिए, यहाँ पे लड़का और लड़की के लिए पूरा एज दिया गया है। तो इसी में आप लोग देखेंगे जैसे कि 0 हो गया तो 2, 3, 4, यानी कि 2, 3, 0, 1, 2, मतलब यहाँ पे 3 मंथ होना चाहिए। तो 3 मंथ में आप लोग को अगर 0 होगा या 1 या 2 मंथ होंगे तो इस तरह से हम लोग बॉयज होगा तो 2.5 से लेके आप लोग इसी तरह से 3.5 तक जा सकते हैं। यानी कि आप लोग अगर 0 माह होंगे तो 2.5 भी लिखेंगे केजी। तो इस तरह से आप लोग अगर 2 माह का होंगे
2.5 है, इसको हम 3 भी कर सकते हैं, 3.5 भी कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे वेट भी इसी तरह से है, यानी कि गर्ल के लिए भी इसी तरह से, यानी कि 2.4 से लेके 3.2 के बीच होना चाहिए। 0 माह का होंगे, 1-2 मतलब 0 माह का होंगे तो 2.5 भी लिख सकते हैं, 2.6 भी लिख सकते हैं, इस तरह से। अगर आप लोग 1 मंथ होंगे तो 2.5 यहाँ पे 4 दिया गया तो यहाँ पे 3 भी लिख सकते हैं, 3 kg, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। या अगर आप लोग को 3 मंथ हो गया होगा, यानी कि जो लड़की यहाँ पे, लड़का हो या लड़की, यहाँ पे 3 मंथ हो गए होंगे तो इस तरह से 3-4 यहाँ पे 3-4-5 यानी कि यहाँ पे 3 मंथ तक के, यानी कि 5 मंथ तक के आप लोग को यहाँ पे यही को डाल लेना होगा। 5-6-7-8 यानी कि 6-7-8-9 यानी कि आप लोग को 3 मंथ इसी तरह से लिख लेंगे, यानी कि बॉयज़ के लिए इस तरह से हो गया और गर्ल के लिए इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग चार्ट देख लिए कि इस तरह से हम लोग को यहाँ पे करनी है। तो अगर आप लोग को कोई दिक्कतें होती होगी तो आप हमारे एक बार वीडियो पर जरूर कमेंट कीजिए। तो थैंक यू हमारे वीडियो में बने रहने के लिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। हमारे वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।